क्वेश्चन को कैसे अप्रोच करें, कैसे उसमें मार्क्स बढ़ाएं अपने। देखो सैलरी का मैसेज आ गया सुबह सुबह, मतलब दिवाली है इसलिए थोड़ा जल्दी जल्दी इस बार सैलरी आ रही है। हेलो एवरीवन, माय नेम इज रवि शर्मा और इस वीडियो में हम बात करेंगे कि जो आपका IBPS PO मेंस का पेपर है उसमें क्वांट और रीजनिंग सेक्शन को कैसे अप्रोच करें, कैसे उसमें मार्क्स बढ़ाएं अपने। देखो सैलरी का मैसेज आ गया सुबह सुबह, मतलब दिवाली है इसलिए थोड़ा जल्दी जल्दी इस बार सैलरी आ रही है। बहुत खुशी की बात है, सुबह सुबह वीडियो बना रहा हूँ और सुबह सुबह सैलरी भी आ गई, तो आपकी जल्दी सैलरी आपकी भी आए। उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा कि क्वांट और रीजनिंग को काफ़ी स्ट्रॉन्ग करना पड़ेगा, क्योंकि इन सब्जेक्ट्स की इंपॉर्टेंस को आप इग्नोर नहीं कर सकते। अगर इन सब्जेक्ट की इंपॉर्टेंस को आप इग्नोर करेंगे और GA भी थोड़ा सा अलग आ गया और इंग्लिश तो आपकी वैसे ही माशाल्लाह है, तो फिर आप कैसे क्लियर करेंगे? आपको क्लियर करने के लिए लगभग 20 मार्क्स ऊपर चाहिए कट ऑफ के, उसके बाद एक एवरेज इंटरव्यू चाहिए, फिर आपका फाइनल सिलेक्शन ऑलमोस्ट इंश्योर हो जाता है। ठीक है, तो क्वांट और रीजनिंग सेक्शन को हम कैसे स्ट्रॉन्ग करें ये जानेंगे इस वीडियो में, और पॉसिबल बिल्कुल है 25-30 दिन जो भी हैं उनमें आप आराम से अगर ये वाली चीज़ें करेंगे तो आप डेफिनेटली अपने स्कोर को बढ़ता हुआ पाएंगे। ठीक है, तो इफ़ यू वॉन्ट टू कनेक्ट विद मी, इवन कनेक्ट विद मी ऑन चैंपियंस ऑफ रवि शर्मा टेलीग्राम चैनल, जहाँ पर आप और मैं 1-on-1 भी बात करते हैं। ऑल्सो यू कैन कनेक्ट विद मी ऑन इंस्टाग्राम, जहाँ पर उसका भी लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ। ठीक है, तो शुरू करने से पहले IBPS PO मेंस के लिए 30 डेज़ के सारे टारगेट्स वीडियो सॉल्यूशन के साथ क्विज की फॉर्मेट में भी, और साथ में डिस्क्रिप्टिव पेपर 25 सेट्स, ये आपको मिलेगा सिर्फ 99 में, जो कि बहुत ही मिनिमल प्राइस है। उस पर भी RKS 12 लगा के 12% एक्स्ट्रा ऑफ आपको मिलेगा। तो आपको अगर कंसोलिडेटेड IBPS PO मेंस की तैयारी करनी है 30 दिन में, तो आप इस कोर्स का फ़ायदा उठा सकते हैं। तो यू कैन गो एंड चेक इट आउट एंड ग्रैब इट, द लिंक इज इन द डिस्क्रिप्शन। थैंक यू। हाँ जी, तो देखो मैं 4-5 चीज़ों की बात करूंगा, आपको वो सब कुछ करना ही पड़ेगा तभी आपके क्वांट और रीजनिंग में मार्क्स बढ़ेंगे। ठीक है, आप बढ़ता हुआ बहुत जल्दी देखेंगे अपने कॉन्फिडेंस और मार्क्स दोनों को। ठीक है, जो पहली चीज़ है वो है ये है कि जो आपको स्पीड ड्रिल्स मैंने बोली हुई है, मतलब आपको लगभग हाफ एन आवर आपको स्पीड ड्रिल्स पे लगाना है, और जो चीज़ें हैं यानी कि जो स्क्वेयर्स क्यूब्स टेबल्स और जो ABCD की जो गिनती होती है, कि मतलब मैं आपसे पूछ लूं कि भाई T कितने नंबर पे आता है, तो आपको पता होना चाहिए कि 20 पे आता है अल्फ़ाबेट में। ठीक है, पीछे से कितने पे आता है वो भी पता होना चाहिए। तो वो चीज़ें एक मैंने वीडियो में बताई हुई है कि क्या क्या स्पीड रेल्स होती है। एक तो ये लिखना है आपको टेबल्स क्यूब्स स्क्वेयर्स और जो परसेंटेजेस टू फ्रैक्शन है, ये चार चीज़ें डेली अपनी कॉपी में लिखनी है, चाहे आपको आती है नहीं आती है, उससे आपकी जो स्पीड है और जो दिमाग में सोचने की शक्ति है वो थोड़ी सी बढ़ेगी। ठीक है, और कुछ 2x2 की 5-10 कैलकुलेशंस आपको माइंड में करनी है, ताकि आपका माइंड भी एक्टिव रहे और कैलकुलेशन को ईजिली अडेप्ट करें, चाहे कोई भी आपकी कैलकुलेशन हो। ठीक है, पहला पॉइंट यही है कि स्पीड रिल्स पे थोड़ा सा फोकस देना पड़ेगा। उसके बाद सेकेंड चीज़ है कि आपको अपने स्ट्रॉन्ग और वीक पॉइंट्स पता होने चाहिए। देखो, स्ट्रॉन्ग पॉइंट्स और वीक पॉइंट्स अगर आपने प्री क्लियर किया, आपको प्री में थोड़ा बहुत कंफर्ट किसी टॉपिक्स के साथ होगा कि नहीं, टॉपिक्स के साथ नहीं होगा, तो जिनके साथ है वो आपके स्ट्रॉन्ग है, जिनके साथ नहीं है वो वीक है। अगर नहीं भी आपको पता वीक स्ट्रॉन्ग, तो अगले 3-4 मॉक में आपको पता चल जाएगा। ठीक है, अब इन पे क्या करना, ये मैंने क्यों बोला कि पता होने चाहिए, पता इसलिए होने चाहिए कि उसी पे आप खेलोगे। मतलब कि जो इजी फ्रूट्स होते हैं, यानी कि अगर किसी पेड़ पे कुछ एप्पल लटक रहे हैं तो जो नीचे एप्पल होंगे पहले हम वो तोड़ेंगे, यानी कि जो आसान कम टाइम दे के या फिर हमें ज़्यादा आउटपुट दे दे, वो चीज़ को हमें पहले सॉल्व करना है। तो जो आपके स्ट्रॉन्ग पॉइंट्स हैं उनको ढूंढना है पहले मॉक में, आपको जाके वो वाले सवाल पहले ग्रैब करने हैं, ताकि आप कुछ मार्क्स ऑलरेडी इंश्योर कर लें। अगर आप कम टाइम में ज़्यादा मार्क्स शुरू में इंश्योर कर लें तो आपका कॉन्फिडेंस बढ़ता है, उससे आप मुश्किल सवालों को भी अच्छे से टारगेट करते हैं। ठीक है, तो ये पॉइंट है, स्ट्रॉन्ग और वीक पॉइंट्स को जानना इंपॉर्टेंट है। अब बात आती है प्रैक्टिस की। ठीक है, प्रैक्टिस हमें दो चीज़ों से करनी है। पहली प्रैक्टिस करनी है हमें मॉक से। देखो, मॉक ही ऑलमोस्ट 80-90% आपका रहेगा मेंस की प्रेपरेशन का। ठीक है, 80% ऑलमोस्ट आप सोच लो कि जो मेंस के आप मॉक देते हो उनको कितने अच्छे से एनालाइज करते हो, उस पर डिपेंड करेगी। आप 100% आप बोर हो जाओगे इस चीज़ से कि यार कितने मुश्किल सवाल है, मैं कैसे करूं यार, मेरे तो आंसू निकल रहे हैं, बट आपको वो करने पड़ेंगे। जो भी आपको क्वांट के सारे क्वेश्चन होंगे, रीजनिंग के सारे क्वेश्चन होंगे मॉक की एनालिसिस में, वो सब आपको करने हैं, और लगभग आपको 10 मॉक के आसपास देने हैं। ठीक है, तो वो पूरी एक कंसोलिडेटेड वीडियो दूसरे में बनाएंगे कि मॉक को देना कैसे होता है, बट आपको पहले इजी फ्रूट्स पकड़ने हैं, इजी क्वेश्चंस पकड़ने हैं। जब भी आप क्वांट सेक्शन पे या रीजनिंग सेक्शन पे जाओ, आपको ऐसे तुरंत पहले सवाल से सॉल्व नहीं करने ना है। जो पहले सवाल से सॉल्व करता है उसको मैं लल्लू लाल बोलता हूँ। ठीक है, वो हमें लल्लू लाल नहीं बनना है। हमें क्या करना है, 1 या 1.5 मिनट लेके पूरे पेपर को हमें क्या करना है, स्कैम करना है, स्कैम नहीं स्किम करना है, सॉरी स्कैम 92 की याद आ गई,
स्किम करना है, ठीक है? पूरे पेपर को आपको देखना है कि उसमें सवाल कौन कौन से हैं, और जो आपके कंफर्ट जोन वाले सवाल हैं वो तो पीछे छुपाए हुए हैं उन्होंने, IBPS ने, वो भी तेज़ IBPS वाले, तो आपको उनको ढूंढ के पहले वो करना है, ठीक है? पहले उनको करना है, तो पहली चीज़ तो ये, और उसके बाद एनालिसिस बढ़िया करनी है। इसके अलावा व्हाट एल्स यू हैव टू डू अपार्ट फ्रॉम द मॉक्स, उस पर थोड़ी सी बात करते हैं। अब देखो जो क्वांट है, क्वांट में लगभग आपको 80-90% DI ही दिखेगी वहाँ पे, बहुत सारे सेट होंगे पाँच पाँच सवालों के, वो DI की फॉर्म में होता है। एक्चुअली DI वो इसलिए डालते हैं क्योंकि उसमें कैलकुलेशन पार्ट भी आ जाता है, उसी में अरिथमेटिक भी घुसा देते हैं, उसी में और कंसेप्ट भी घुसा देते हैं, और उससे एप्लीकेशन ऑफ कंसेप्ट आपको, मतलब डाटा को आप कितना रीड कर पा रहे हैं, मैग में मोस्टली आपको डाटा ही तो रीड करना है, तो डाटा को कैसे रीड कर पा रहे हैं उस पर, इसलिए वो ज़्यादातर DI होती है। तो हमें कम से कम तीन चार सेट भाई जो टफ लेवल के होते हैं उनको डेली करना है DI के, ठीक है? अब करना किधर से है वो भी मैं आपको बता दूं। एक तो जो मैंने अभी बताया है कि जो गाइडली का 99 में आपको पूरा मिल रहा है उससे भी कर सकते हैं आप। सेकंड कि आप गूगल पे जाके लिखिए प्रीवियस ईयर मेमोरी बेस्ड मेंस पेपर फॉर IBPS PO, ठीक है? आप वहाँ से भी कर सकते हैं। थर्ड आप वहाँ से कर सकते हैं कि जो, जैसे मान लो कोई पेपर हो गया है, जैसे RRB PO मेंस का भी पेपर हो चुका है, आपका क्लियर हुआ है या नहीं हुआ मुझे नहीं पता, बट उसका पेपर हो भी चुका है, रिजल्ट भी आ चुका है, तो आप उनको सबमिट करके दे दें अपने जो मॉक टेस्ट का जो आपका पैकेज है उसमें से, उन वहाँ से आप क्वेश्चन उठा के कर सकते हैं DI के, या फिर आप सीधा गूगल पे लिखो फॉर मेंस एग्जाम प्रैक्टिस क्वेश्चंस फॉर DI बैंक एग्जाम्स, ठीक है? जो आपके दिमाग में आता है लिखो, आपको सवाल बहुत सारे मिलेंगे, आप 2022 में जिंदा हो अभी, ठीक है? तो यहाँ पे आपको इन्फॉर्मेशन की कमी नहीं है, आपको कंटेंट की भी कमी नहीं है, यू हैव टू बी चूजी, ठीक है? उसके बाद जो रीजनिंग है, रीजनिंग में आपको एक तो ये दिमाग में रखना है कि भाई वहाँ पे कुछ ऐसे बहुत ज़्यादा मुश्किल नहीं होता है, वहाँ पे सिर्फ आपको जो सीधे सवाल है उनको ऐसे कोडिंग के फॉर्म में दे देता है। अभी आपको मान लो राइट मुड़ने को अगर उन्होंने स्पेड के फॉर्म में दिखा दिया या फिर फूल पत्ते दिखा दिए उसकी जगह, तो आप उसमें उसमें घबराएंगे क्यों? जहाँ फूल पत्ते दिखे वहाँ राइट मोड़ दो, लेफ्ट मोड़ दो, जो है, मतलब कि कहने का मतलब ये है कि भाई वो आपको सिर्फ ऐसे कोडिंग देते हैं, उससे और कुछ नहीं होता ज़्यादा। अगर आप बेसिक पे स्टिक रहेंगे तो रीजनिंग भी आपकी हो जाएगी। रीजनिंग में जो मिसलिनियस सवाल होते हैं वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं और वो जल्दी ग्रैब होते हैं, ठीक है? तो वो आप पहले करना, और उनकी प्रैक्टिस भी करनी है डेली, और डेली लगभग एक या दो पजल्स हाई लेवल की करनी है सॉल्व। नहीं भी हो सॉल्व तो भी आधे घंटे उसके साथ तड़पो और उसके बाद सोल्यूशन देखो, ठीक है? लेकिन जो एनालिसिस के सारे क्वेश्चन आपको करने हैं, और ये जो प्रैक्टिस है थोड़ी सी ये भी करनी है। इसके अलावा जो लास्ट चीज़ है वो क्या है? माइंडसेट। अभी तक मैंने जो बताया आप बोलोगे कि यार ये कर भी लूँगा तो मेरा कौन सा हो जाएगा, नहीं भाई, यू हैव टू ट्रस्ट योर एबिलिटी। अगर आप अपनी एबिलिटी को ट्रस्ट करेंगे तभी आप मेंस लेवल के एग्ज़ाम क्लियर कर पाएंगे। आपकी स्पीड वगैरह उन्होंने देख ली, अब थोड़ा सा आपका माइंडसेट, और आपको थोड़ा सा डराना चाहते हैं वो, बट आप डरेंगे नहीं क्योंकि आप चैंपियन ऑफ रवि शर्मा हैं और आप अपनी एबिलिटी पे ट्रस्ट करते हैं। अगर आप ट्रस्ट करेंगे अपनी एबिलिटी पे और इन चीज़ों को करेंगे जो मैंने आपको बताया, तो डेफिनेटली आप मेंस में बहुत अच्छा स्कोर करेंगे, ठीक है? तो क्वांट और रीजनिंग की भी बात होगी, अब एक कंसोलिडेटेड वीडियो कि कैसे मेंस को, मेंस के मॉक को कैसे अप्रोच करते हैं, वो मैं अगली वीडियो में लाने की कोशिश करूंगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी गिव मी अ थम्स अप एंड थैंक यू वेरी मच, ऑल द बेस्ट।